Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject Hindi. Hindi mein aaj hum padhenge Part 6 ka hamara kya naam hai? Khelkood aur Vyayam. Beta, ye aap sab bhi jante hain ki hamare liye khelna aur vyayam karna matlab exercise karna kitna zaruri hai. Aaiye hum iske bare mein aaj padhenge. क्या आप जानते हैं लोगों की मानसिक परेशानियां के दिनों दिन बढ़ने का कारण लगातार शरीर को उपेक्षा करने से क्या होता है तथा इनसे बचने का उपाय क्या है। आजकल आपने देखा होगा लोगों को मेंटली मतलब माइंडली इतनी परेशानियां होने लगी हैं, इतना ज़्यादा वर्डन होने लगा है कि वो अपने शरीर को खुद से ध्यान नहीं रख पाते हैं। इनसे बचने का उपाय क्या है अभी आपको बता रहे हैं। पाठ में बताया गया है कि निरोगी अर्थात स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन और व्यायाम परम आवश्यक है। इस पाठ में ये बताया है कि निरोगी मतलब बीमार ना होने से ज़्यादा स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन मतलब अच्छा खाना, सेहतमंद और व्यायाम एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमें पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए दैनिक समय सारणी में से कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। ये तो आपको भी पता है, अगर हम जिएंगे तभी तो हम अगर हम हमारा शरीर सही रहेगा, हम बीमार नहीं होंगे तभी तो हम जी पाएंगे, नहीं तो फिर हम बहुत जल्दी मर जाएंगे। दादाजी आप नियमित टहलने क्यों जाते हैं? एक बच्चा है वो दादाजी से कह रहा है कि दादाजी आप नियमित मतलब रोज़ टहलने क्यों जाते हैं? बेटा टहलने और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मनुष्य की शारीरिक और मानसिक सभी कार्य सुगमता से कर सकता है। जो व्यक्ति बीमार रहता है वह ना तो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही कोई बौद्धिक कार्य। मतलब ये बता रहे हैं कि सुबह घूमने से हमारा जो शरीर है वो भी मेंटेन रहता है और हमारा जो माइंड है वो भी सुगमता से मतलब बिल्कुल फ्रीली रह सकता है। और जो व्यक्ति बीमार रहता है वो ना तो कोई शारीरिक मतलब शरीर से ठीक रह सकता है और ना ही कोई बौद्धिक मतलब कोई अच्छा काम कार्य कर सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें टहलना और व्यायाम करना चाहिए और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है वह अपने लिए रोगी बुढ़ापा और मृत्यु के द्वार खोलता है। आज संसार में जो भयानक रोग तथा महामारियां बढ़ती जा रही हैं उनका एक प्रमुख कारण व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न देना है। ये आप भी जानते हैं कि आजकल इंसानों की बीमारियां रोग मतलब बड़े बड़े बीमारियां अभी जैसे कोरोना जैसा चल रही है बीमारियां, तो इनकी महामारियां इतनी बढ़ती हैं क्योंकि इंसान मानता नहीं है अपने काम किए बगैर और घर से बाहर निकलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम घर के बाहर निकल रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है हम कुछ लोगों से छुए जा रहे हैं तो उससे हमें ये बीमारी फैलती जा रही है और महामारी बढ़ती जा रही है। उनका एक प्रमुख कारण है व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति मतलब वो अपने आप में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को व्यायाम के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। कहावत है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन तथा आत्मा का निवास होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारा शरीर सही है तो हमारा जो मन है वो भी साफ रहेगा हमारा और हमारी जो आत्मा है वो भी हमारे अंदर निवास करती है। दादाजी व्यायाम का अर्थ क्या है? क्या खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है? बेटा व्यायाम का शाब्दिक अर्थ है कसरत। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जैसे सवेरे जल्दी उठकर घूमने जाना, योग करना। हाँ तरह तरह के खेल भी व्यायाम के अंतर्गत आ सकते हैं जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल आदि। खेलों में भाग लेकर हमें मनोरंजन के साथ स्वस्थ भी रह सकते हैं। अगर हम कोई इंटरेस्टिंग के साथ खेलेंगे तभी तो हमारा शरीर सही रहेगा। क्या करने से हमारे शरीर की तेज़ी से रक्त संचार होता है? व्यायाम करने से हमारे शरीर में तेज़ी से रक्त संचार होता है। अब बेटा नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। खेलने कूदने से रक्त संचार होता है। अधिक ऑक्सीजन मिलने से प्राण शक्ति बढ़ती है और शरीर पुष्ट होता है। क्योंकि खेलकूद सब लोग सब स्थानों पर सदैव सुविधापूर्वक नहीं कर सकते, अतः अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं। आजकल लोग में रहन सहन का स्तर कुछ इस तरह हो गया है कि लोग शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक अधिक करते हैं। उनका आर्थिक से अधिक समय इस पढ़ने लिखने और बैठकर काम करने में व्यतीत होता है। इससे उनके शरीर की बहुत सी मांसपेशियां निष्क्रिय बनी रहती हैं।
परिणाम स्वरूप शरीर के अंग अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाते और लोग बीमार पड़ जाते हैं। शरीर क्या, यदि हम किसी मशीन से भी बहुत समय तक काम न ले तो कुछ समय बाद उसमें भी जंग लग जाती है और वह उपयोगी ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर में कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम उपयोग नहीं करते, लेकिन जब हम उपयोग नहीं करते तो धीरे धीरे उसमें वो क्या लगने लगती है, जंग लगने लगती है। ऐसे ही हमारा शरीर है, जब तक हम अपने शरीर की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम घूमने नहीं जाएंगे या हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा शरीर भी एक दिन जंग हो जाएगा और फिर वो हम बीमार लगातार पड़ते रहेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। ये चीज़ आपको भी मैं अभी बता भी चुकी हूँ कि हमको डेली एक्सरसाइज, व्यायाम मतलब घूमना और भी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी में से कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। जब शरीर के अंग अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते तब क्या परिणाम होता है, जब शरीर के अंग जो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते तो हमारा शरीर में जंग लगने लगती है और हम फिर बहुत, मतलब कहते नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आलसी टाइप के हो जाते हैं। वही व्यायाम करते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अवस्था, आवश्यकता और रुचि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के लिए खेलकूद अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय में पीटी करने से भी बच्चों का व्यायाम हो जाता है। बच्चों के लिए दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, तैराकी करना आदि अच्छे व्यायाम हैं। इससे मनोरंजन के साथ साथ कसरत भी हो जाती है। सभी व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अवस्था में लाभदायक नहीं हो सकते। समय, आयु और शारीरिक व्यक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति या दिन भर लिखने पढ़ने का काम करने वाला 50 वर्ष का व्यक्ति जमकर दंड बैठक लगाने लगे तो लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा हमें अपने शरीर पर प्रेशर भी नहीं देना, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने शरीर पर प्रेशर देंगे तो हमारा शरीर तो वैसे ही हानि होने लगेगी। व्यायाम के संबंध में पहली सावधानी है उपयुक्त व्यायाम का चुनाव, इसके बाद उपयुक्त समय, व्यायाम की उचित मात्रा आदि निश्चित करनी चाहिए। व्यायाम करते समय यदि थकान का अनुभव हो तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसका अभ्यास थोड़े से आरंभ करके धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं और हम थक गए हैं लेकिन हम पे उठा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज करते जा रहे हैं। तो इसमें यही बताया कि जितना हमारा मन करे, दिल करे, उतना ही हमारा शरीर जितना ज़्यादा डिपेंड करे उतना ही हमें करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दिन या रात लिखते पढ़ते का काम करने वाला निश्चित मात्रा में करना चाहिए, उसके बाद व्यायाम करते समय नाक से सांस लेना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के पश्चात व्यायाम ना करें। व्यायाम के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए। व्यायाम करने के थोड़ी देर बाद कुछ पौष्टिक पदार्थ जैसे दूध, फल का रस आदि लेना चाहिए। आजकल अब इसमें क्या बताया है बेटा कि व्यायाम के बाद हमें तुरंत नहाना नहीं चाहिए। व्यायाम करने के थोड़ी देर बाद कुछ पौष्टिक पदार्थ जैसे दूध, फल का रस, मतलब दूध पीना चाहिए, बादाम खाने चाहिए जिससे हमारा दिमाग तेज होता है और मतलब उससे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और सबसे मेनली है जब हम व्यायाम करते हैं, घूमते हैं तो हमको नाक से सांस लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पौष्टिक भोजन क्या है। पौष्टिक भोजन है दूध, फल का रस और भी चीज़ें हैं, मगर फल फ्रूट्स खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आजकल बड़े बड़े नगरों और महानगरों में जगह जगह सरकार तथा व्यक्तिगत जिम खुल गए हैं, ये आपको भी पता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा यंत्रों की मदद से व्यायाम करवाया जाता है। जो लोग स्वयं व्यायाम नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये स्थान भी बड़े ही उपयोगी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यायाम स्वस्थ जीवन का सार है, अतः आलस्य त्याग कर व्यायाम के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा और हम हर कार्य आनंद और स्फूर्ति से कर सकेंगे। चैप्टर बच्चा अच्छा था ना, आपको समझ में आया? हाँ, तो हमें अब डेली क्या करना है, सुबह उठकर डेली हमको थोड़ी देर व्यायाम करना है। और जितना ज़्यादा हम शरीर के लिए, ऐसा नहीं कि हम ऑल टाइम व्यायाम करते रहें, हमारा शरीर जितना हमारे मतलब क्षमता हो उतना ही हमें करना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे लिए भी हानिकारक होगा। हम हर कार्य कब आनंद और स्फूर्ति कब कर सकेंगे, जब हमारा शरीर एकदम स्वस्थ होगा। तो बेटा आपको समझ में आया चैप्टर? अब आपको क्या करना है, घर पर फिर से रीडिंग करनी है 2 times और अच्छे से मतलब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पढ़ेंगे और उनके आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। मैं आपको पहले आप खुद करेंगे, उसके बाद मैं आपको शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर PDF के माध्यम से भेजूंगी और आपको खुद से अपने आप लिखना है और हाँ साथ साथ याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें।